हाय व्यूअर्स, बाज़ात ऐसा होता है कि आप किसी के घर में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर वाईफाई लगा होता है, तो आप किसी से इसका वाईफाई पासवर्ड पूछते हैं तो कोई आपको वाईफाई का पासवर्ड बताता नहीं, बट आपके मोबाइल में लगा देता है। या यूं कहिए, किसी भी मोबाइल में कोई वाईफाई लगा हुआ है तो आप इसका पासवर्ड पता करना चाहते हैं तो उसका सेलफोन एक मिनट के लिए आपके हाथ में आना चाहिए, तो आप इजीली वाईफाई का पासवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वाईफाई पासवर्ड फाइंड आउट करने के दो तरीके बताने वाला हूं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहबाज रशीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलें बिना वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जिसका वाईफाई फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर उसका मोबाइल आपके हाथ में आ जाए तो आपने सबसे पहले वाईफाई की ऑप्शन पर आ जाना है। ऑप्शन पर आने के बाद आपने सेटिंग पर चले जाना है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर QR कोड वाली ऑप्शन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना है। शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद आपने यहाँ से बाहर आ जाना है। जब आप शॉर्ट स्क्रीन अपने मोबाइल में ले लेंगे तो उसके बाद आपने अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। तो आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने इसकी सर्च बार में लिखना है ZXING। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ZXING आपने इसके सर्चिंग बॉक्स में लिखना है और इसके बाद इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डी व्यूअर्स, आपने सबसे पहले ये वाली एप्लीकेशन जो आ रही है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है चूज़ फाइल, तो डी व्यूअर्स आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स, आपने यहाँ पर फाइल पर आ जाना है। तो जब आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स, आपने यहाँ पर 3 lines के ऊपर आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स, आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो डियर व्यूअर्स, आपने यहाँ पर आ जाना है इमेज पर, इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी स्क्रीन शॉट्स की, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डियर व्यूअर्स, जितने भी स्क्रीनशॉट दिए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने उस QR कोड को ओपन कर लेना है। QR कोड को ओपन करने के बाद डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है सबमिट की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आपको इस किस्म का इंटरफेस नज़र आएगा। तो डियर व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पर लास्ट पर जो है ये QR कोड के ज़रिए आपको उसका वाईफाई पासवर्ड जो है वो पता चल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें डियर व्यूअर्स, यहाँ पर आपको वाईफाई का पासवर्ड जो है वो इजीली इस तरह मिल जाएगा। उसके बाद डियर व्यूअर्स, मैं आपको वाईफाई का दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप किस तरह वाईफाई पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने फ़ोन की गैलरी पर आ जाना है। आपने अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेना है। जैसे फ़ोन की गैलरी को ओपन करेंगे तो यहाँ से आपने QR कोड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर डियर व्यूअर्स, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाती है शेयर की, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद डियर व्यूअर्स, आपके पास इस किस्म का इंटरफेस आएगा। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है सर्च गूगल की, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च की ऑप्शन मिल जाती है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखें डियर व्यूअर्स, आपके पास जो है वो पासवर्ड आ जाएगा। इस तरह डियर व्यूअर्स, आप किसी के भी पासवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।